नमस्कार, मैं मनु सिंह। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर सेस कुमार। क्या होती है आईपीसी? बहुत सारे नागरिक बस का क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मैं मनु सिंह और हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर सेस कुमार सिंह। आज का हमारा टॉपिक है व्यूअर्स का क्वेश्चन, जिसमें व्यूअर्स ने पूछा था सीआरपीसी में 107 के तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। इस तरीके के तकरीबन 5-7 क्वेश्चन आ चुके हैं कि 107 के तहत मेरे खिलाफ कोई कोर्ट में केस चल रहा था, तो क्या अब उसके पासपोर्ट की बनवाना है तो क्या दिक्कत होगी, मुझे जॉब लेनी है, अभी अभी मेरी जॉब लगने वाली है, इंटरव्यू हुआ है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, तो इसके बारे में सर आज हमें ज़रा जानकारी दे दीजिए। देखिए, 107-16 की कोई प्रोसीडिंग अगर किसी पक्ष के विरुद्ध चल रही है जी, तो वो अपराध नहीं होता है जी। उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं होता है जी। ठीक है जी। दो पक्षों के मध्य अगर कहीं शांति भंग होने की संभावना होती है किन्हीं पक्षकारों के मध्य जी, जी। तो 107-16 की कार्रवाई पुलिस निषेधात्मक रूप से चलाती है कि पक्षों के मध्य कोई अपराध भविष्य में ना हो, उसको रोकने के लिए। इसका मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो अपराध रोकने के लिए ये प्रक्रिया है जी। ना कि कोई आपराधिक प्रक्रिया है। ठीक है जी। तो जो भी आदमी है या जो भी व्यक्ति जिसको 107-16 में जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है जी, वो कोई अपराधी नहीं होता जी। ना उसके आधार पर उसके करियर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है जी। क्योंकि ये कुछ खास पक्षों के मध्य में ही तनाव जैसी स्थिति में ये निषेधात्मक कार्रवाई पुलिस करती है जी। तो इसके आधार पर उसके करियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे उनको नहीं डरना चाहिए, बशर्ते उनके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा ना दर्ज हो जो आपराधिक कृत्य हो या उनका ऐसा आचरण रहा हो जी, कि पुलिस ने कोई उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं। सीधे सीधे क्वेश्चन बस इतना है कि 107 में हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई है तो क्या उससे मेरे पासपोर्ट बनने में प्रॉब्लम आएगी पुलिस वेरिफिकेशन में? नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्या इससे गवर्नमेंट जॉब में भी कोई दिक्कत नहीं आनी? नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि शांति भंग अंदेशा पर ही वो निषेधात्मक कार्यवाही है जी। और उसमें उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है ना, और ना कहीं से केसेज में कोई अपराध दर्ज करती पुलिस जी। ठीक है, तो जब कोई अपराध करेंगे, अगर कोई अपराध उन्होंने किया है तो डर हो सकता है जी। लेकिन सिर्फ 107-16 की कार्यवाही में उन्होंने अगर शांति बनाए रखने के लिए कोई बॉन्ड भी दाखिल कर दिया तो उसके आधार पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आज हमने जाना सीआरपीसी 07 में व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि अगर उनके खिलाफ 107 के तहत कोई कार्रवाई हुई है तो सीआरपीसी में, तो क्या उन्हें पासपोर्ट बनवाने में या गवर्नमेंट जॉब में कोई प्रॉब्लम आएगी कि नहीं, उसके बारे में सर ने आपको बताया। हमारे पुराने वीडियो तक जाने के लिए आप बहुत आसानी से जा सकते हैं, जैसे कि वीडियो के लास्ट में 3-4 लिंक आता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में 5-7 लिंक पड़े होते हैं और ऊपर आई की बटन दी होती है जहाँ से आप आसानी से हमारे पुराने वीडियो तक जा सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड बटन दी होती है जिस पर सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको क्लिक करते ही चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उससे होगा ये कि और जो भी नए वीडियो आने वाले होंगे वो आसानी से आप तक पहुँच जाएंगे। आप देख रहे थे इंडियन लॉ। थैंक यू सो मच।